प्रेस द लॉर्ड, प्रभु के वचन में हम आप सबका, यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं वचन लेकर एक बार फिर से मैं आया है। एक छोटा सा विषय है, ये विषय जो है इसमें लिखा गया है उद्धार सबके लिए। हम देखते हैं क्या उद्धार किसके लिए है, उद्धार जो है क्या एक ही धर्म के लोग के लिए है या एक ही जात के लिए है या हम देखेंगे कि या एक ही स्टेट के लिए है। ये जो है उद्धार के बारे में जो है सब जाति के लिए यहाँ पे बताया गया है। हर एक जो है जितने भी स्टेट हैं या जितने भी देश हैं या जितने भी कंट्री हैं या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे भूमंडल के लिए जितने मानव जाति हैं सबके लिए उद्धार है। यहाँ पे लिखा है उद्धार सबके लिए है। हम वचन के आधार पे हम प्रूफ करते हैं, जैसे लोग कहते हैं कहाँ पे लिखा है, कौन से है, क्या है, ऐसा ऐसा बहुत से बातें करते हैं, लेकिन हम बाइबल हमें क्या बताता है, बाइबल के आधार पे हम देखेंगे। बाइबल में प्रूफ किया हुआ है कि उद्धार जो है स्वर्ग राज के लिए तैयार होने के लिए या हम कह सकते हैं स्वर्ग राज में जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। बाइबल हमको संक्षिप्त रूप से हमें बताता है कि बाइबल जो है यहाँ पे लिखा है बाइबल में उद्धार सबके लिए है। हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि बाइबल का वचन जो है सबके लिए है। यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा जाति नहीं, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन के लिए बोल रहे हैं, ईसाई के लिए बोल रहे हैं या हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, इसमें धर्म का कोई बात ही नहीं है। ये पूरे बाइबल में हम बता सकते हैं कि धर्म किसी को बीच में लाता ही नहीं है, धर्म के नाम पे ये बुक बना ही नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पे हम एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। यहाँ पे लिखा है कि यदि तू यहाँ पे यही बड़ा सवाल है। परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पे बता रहा है कि यदि तू, यहाँ पे हम देखते हैं यदि तू जो ये विषय है यही हमारा ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है कोई नहीं कहा कि यदि हिंदू हो, यदि क्रिश्चियन हो, यदि मुस्लिम हो, यदि छोटा हो, यदि बड़ा हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से यदि जो है महाराष्ट्र का हो, यदि बिहार का हो, यदि केरला का हो, यदि यूपी का है, यहाँ पे लिखा ही नहीं। यहाँ पे लिखा यदि तू, या मतलब किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, यहाँ पे लिखा यदि तू यहाँ पे जो विषय हम बताया हमने, तू बोलेगा तो हिसाब से हम देखते हैं कि कोई भी अगर रास्ते में चल रहे हैं तो यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, हम किसी को बोल सकते हैं तुम चलो करके, तुम मेरे साथ हो, ऐसा तुम बोलेगा तो ये किसी भी में आता है, ये कोई जात में नहीं आता है कि हमको ही खाली बोल रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर के सामने अगर 1000 लोग खड़े हैं कोई भी जात का, अगर परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मतलब कोई भी, यहाँ पे संक्षिप्त रूप से यही विषय है कि यदि तू, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि कोई भी राज्य का क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कि परमेश्वर को यदि तू प्रभु को, जो यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुँह से अगर प्रभु को प्रभु जानकर
कि हाँ प्रभु ही यीशु मसीह है। प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। आज यदि अगर हम मान लेते हैं कि हम पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, कोई भी धर्म का रहने दो, कोई भी जात का रख के उन्हें रहने दो, मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और हम आगे देखते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर हमें विश्वास करते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने मरे हुए में से हमको जिलाया है, तो समझ लीजिए कि निश्चय हम उद्धार पाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि कोई भी जात का कोई क्यों ना हो, यीशु मसीह को परमेश्वर जो है ना, रोमियो की किताब में लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच जात का हो, नीच जात का हो, कैसा भी क्यों, कौन सा भी जात का क्यों हो, क्यों ना हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर हम मनुष्य क्या देखेंगे तो हम देखते हैं कि जितना ख्याल, जितना पक्षपात अगर हम अपने फैमिली का करेंगे, उतना हम दूसरे फैमिली का नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने हैं। दूसरा तो दूसरा होता है, अपना तो अपना होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने का ही पक्ष अपने तरफ लेते हैं। अगर समझ लीजिए कि दो जन अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक जन जो हमारे हैं, एक जन दूसरे के हैं, तो हम अपने का ही पक्ष खींचेंगे। भले हमारे का ही गलती रहेगा, लेकिन हम किसका पक्ष खींचेंगे, हम अपने के ही खींचेंगे। इसीलिए ये परमेश्वर जो है ना, जो सबके जितने भी लोग हैं सब परमेश्वर के हैं। यहाँ पे एक जगह पे लिखा है, एक वचन में लिखा है, वो इस प्रकार से लिखा है कि तुम हमारे हो। वहाँ पे लिखा है वचन में, तुम हमारे हो। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर जो है, यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने हमको आपको जिलाया है मरे हुए में से। हम अंधकार में मरे हुए थे, संसार में हम मरे हुए थे। प्रभु जो है, यहाँ पे लिखा, फिर से एक बार पढ़ता हूँ, यह जानकर कि अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएंगे। परमेश्वर जो है, मरे हुए में से जो जिलाया है, वो निश्चय उद्धार पाएगा। अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको जो है उद्धार करने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर को, परमेश्वर जो है हमारा उद्धार करेंगे। यहाँ पे लिखा है निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय हम सब उद्धार पाएंगे। आज अगर ये वीडियो को जितने भाई बहन देख रहे हैं, वो अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह कि यीशु ही प्रभु है, अगर अपने जो है अपने, यदि तू अपने मुँह से अंगी यीशु को, अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। अगर मुँह से अगर हम अंगीकार करते हैं कि हाँ यीशु ही प्रभु है, प्रभु जानकर, इस संसार में और कोई प्रभु नहीं, अगर यीशु को ही प्रभु जानकर अगर हम अंगीकार करते हैं, तो अपने मुँह से और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, और अपने जो अपने मन से जो विश्वास करे, जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। ऐसे तो बचन में भी लिखा है, बहुत से लोग बोलते हैं कहाँ है कोई प्रभु, कहाँ है कौन है, लेकिन जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। कोई भी जात का रहने दो, कोई भी धर्म का रहने दो, कोई भी कंट्री का क्यों ना रहने दो, क्योंकि जो है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर बताया कि परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता है। और आगे और हम पढ़ेंगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए
मन से विश्वास किया जाता है। अगर हम धार्मिकता के लिए अगर हम धर्मी बनना चाहते हैं तो मन से विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम विश्वास करते हैं कि हम जो ट्रेन से जा रहे हैं को गाड़ी आएगी अच्छे ठीक समय पे, वो हमको लेके जाएगी। नहीं तो हम उसको देखा नहीं, पायलट कौन सा है, कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है, कौन सा जिले का है, कौन सा स्टेट का है, हमको नहीं पता। हमको एक विश्वास है कि ट्रेन आएगी हमको लेके जाएगा, इतना विश्वास है अनदेखी वस्तुओं पर। उसी प्रकार से हम यीशु मसीह पर अनदेखी के हिसाब से जो हम नहीं देखते हैं उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर हमको धर्मी बनना है तो मन से विश्वास करना पड़ेगा, मन से हृदय से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु ही यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, उद्धार करता है हमारे पापों के लिए। आपके पापों के लिए परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पर अपना खून बहाया है, अपना जो है उन्होंने कोड़े भी खाया है, अपना सब कुछ त्याग दिया है परमेश्वर ने, जो किसके लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर पर अगर हम विश्वास करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धर्मी बनने के लिए परमेश्वर के जो है परमेश्वर को हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि वही उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। यहाँ पे लिखा है कि उद्धार सबके लिए है। उद्धार किसके लिए है, सबके लिए है। अगर जो कुछ जितने भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यहाँ यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है, तो क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे। और आगे लिखा है कि विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उद्धार के लिए जो है मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है, मन से जो है विश्वास किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, हमारे ही पापों के लिए तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है। इस प्रकार से इसमें वचन में बताता है कि मुंह से अंगीकार किया जाता है। और आगे हम पढ़ते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। मेरे प्रियो, ये वचन के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भाई बहन विश्वास करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी क्यों ना जात का क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। इसमें ये इसके लिए मैं इस वचन को आज लिया है ताकि प्रूफ हो जाए कि बाइबल क्या बताता है, कि बाइबल किसके लिए है, कि एक जात के लिए है कि सबके लिए है। इसके लिए मैं इसे छोटा सा सब्जेक्ट लिया था कि उद्धार सबके लिए है, उद्धार सबके लिए है, इस बाइबल में प्रूफ हो गया है। और मैं और बताता हूँ आगे वचन के आधार पे, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। जो कोई विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, फिर से अगर ये वचन के आधार पे हम बताना चाहते हैं कि क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ये बाइबल जो है पवित्र शास्त्र यही बाइबल है, ये साफ साफ बाइबल अपने बारे में ही कह रहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। जो कोई विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं इस वचन के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे लिए जो संसार स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने
आया परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उन नाश ना हो। परमेश्वर हमको नाश करने के लिए नहीं आता है। चोर आता है चोरी करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आता है किसके लिए? जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पे आया है, ताकि हम जो पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमको आपको जिलाया है। इसके लिए हम क्यों, ये वचन क्यों हमको बताता है कि उद्धार सबके लिए है। परमेश्वर हमको नाश करने के लिए नहीं आता है। परमेश्वर की एक बड़ी योजना है ये बाइबल जो हमें दिया है, वचन हमको जो दिया है हमको सीखने के लिए। परमेश्वर का कलाम जो है ये हमको प्रूफ करता है कि परमेश्वर सब के लिए है। जितने लोग इनकी ओर दृष्टि किया उनका मुंह काला नहीं हुआ, परंतु ज्योति पाया है। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। परमेश्वर लज्जित नहीं होने देंगे। मेरे प्रियो, ये वचन के आधार पे बताता हूँ, कोई भी भाई बहन कितना भी पुराना क्यों ना विश्वासी हो, परमेश्वर आपको हमको लज्जित नहीं होने देंगे। आने वाले दिन में परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। वचन बताता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक, मत डर। हमको किधर ताकने का ज़रूरत नहीं है। हमारा मुंह जो है काला नहीं होने पाएगा, हमको लज्जित नहीं होने पाएगा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है किसके लिए? परमेश्वर ने प्रेम किया है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए। हमसे प्रेम किया है, आपसे प्रेम किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और इस वीडियो के द्वारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को पता चले। जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं सब, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं शेयर करें।